यहाँ सिंदूर की कीमत पे कुछ स्पेशल ड्रामा चल रहा है। अर्जुन अवस्थी जो मेरा कैरेक्टर है वो आखिरी इंसान है पूरी दुनिया में जो कोई शादी करने वाला है, पर उसकी मॉम ने उसे इतना प्रेशर कर दिया है इससे शादी करने के लिए कि उसने जाके किसी और से शादी कर ली और अब घर आ गया है। ये साउंड आपको फनी कर रहा होगा, पर अगर असली घर के अंदर ऐसा कुछ होता है जो हमारे शो में चल रहा है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और हैवी सीन्स फॉर ऑल। हाँ, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आई एम किडिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चीज़ नहीं है। आप लोग जाके पूछ लेंगे तो हमारे शो के अंदर, तो हमारे शो के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन अवस्थी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है। उसने एक डील करी है एक लड़की के साथ कि आप आपकी सिंदूर की कीमत चुका सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, और एक साल तक आप आइए दादी दादी प्लीज़ जॉइन अस। तो मिश्री ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है क्योंकि बोथ पार्टीज ओवर हियर आर गोइंग टू नीड समथिंग फ्रॉम ईच अदर। मिश्री चाहती है कि हम उसके बाबा को बचा लें और अर्जुन चाहता है कि वो उसके फैमिली प्रेशर से बच जाए। तो दोनों लोगों को खुश करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। नहीं मतलब वो तो हमारा सपना है था कि भाई इसकी शादी देखें, और इसका सपना था कि ये अनु के साथ शादी करें, और अनु जो है मतलब जब मिलती है तो वो किसी और से शादी कर लेता, तो मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस। मगर हाँ, प्रेशर हम लोग कर रहे थे बिकॉज पहले तो अनु नहीं मिल रही थी, तो वी थॉट कि किसी और से शादी कर लो, मगर कर लो बिकॉज वी थॉट शी इज नेवर गोइंग टू रिटर्न। तो इसलिए हम लोग प्रेशर डालते थे कि किसी और से कर लो, फिर अनु आई तो ये किसी और से शादी कर लिया, तो इसने क्यों किया। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो दादी ने डाला है, आई थिंक दादी फील्स इट द मोस्ट। प्लीज कहा था कि मुझे बिलीव है कि वो बच्ची आएगी वापस, तो लेकिन अब हुआ नहीं, कॉन्टैक्ट मैरिज हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे दादी? शी लव्स मी Obviously, तो आप मुझे ये पता नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है। तो मैं तो इन्हीं को अपनी नातिन मान रही हूँ, और obviously नातिन के साथ जो आपके का जो रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन, तो उसकी वजह से एक अलग ही प्यार होता है ना, बेटी के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार होता है। तो जो असली वाली है उसे तो उसका तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है क्या है जो इससे इन्होंने शादी कर ली है। और सच में हमने सपने देखे थे जब से इस बच्चे को हम लेके आए थे, तभी से हाँ, और जब से पंडित ने बोला था तभी से एक एक हो जाता ना कि आपका दिमाग में फिक्स हो जाता है कि नहीं हमें ये करना है, ये शुभ है, ये बच्चा हमारे लिए अच्छा है। तो हमने डिसाइड कर लिया था, पर जब हादसा हुआ तो जब हादसा हुआ उसके बाद ये सब हो गया, क्योंकि मैं शुरुआत में नहीं थी शो में, तो मुझे बहुत इनिशियल स्टेज का इतना ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जब मैं आई, जब मैंने इस शो में एंट्री ली, उसके बाद से मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये लड़की अनु है हमारी, और मैं चाह रही हूँ कि अनु के साथ ये शादी करें। और इसलिए भी क्योंकि बचपन में इन दोनों ने डिसाइड किया था
बचपन में डिसाइड किया था आप लोगों ने, हमने डिसाइड किया था। हाँ दादी वो सब हो गया, अब वो आ गए, हमने तोड़ दी शादी, कर ली कहीं और अब ड्रामा कर रहे हैं। अब मैं इनकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ओह माय गॉड। और ये ड्रामा आपको फुल ऑन देखने को मिलने वाला है। यस, आपको कैसा लग रहा है शादी करनी है? मैं तो बहुत रायता फैलाने वाली हूँ अभी। अभी तक जो मैंने फैलाया वो बहुत कम था, ट्रेलर था एक छोटा सा, उससे थोड़ा बहुत पब्लिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई है और काफ़ी इन्जॉय भी कर रही है इस ड्रामे को। और अब और रूप और काफ़ी सारे यू नो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्पाइस देखने को मिलेगा। और तो क्या, बहुत रायता फैलाऊँगे, आप इन्जॉय करोगे, बोर नहीं होने वाले हो। मैं यही कहूँगा कि हम लोग सबको मज़ा आ रहा है कि मेरे भाई की शादी हो गई है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि भाभी आ रही है और अभी जितने मेंबर्स थे एक जन और घर में आ गया। सो अभी बताऊंगी तुझे भी। मैं बेसिकली इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि जब इनकी शादी होगी उसी के बाद मेरा नंबर आएगा, राइट? सो है कि नहीं दादी? आई एम अ वेरी बिग प्लानर इन द शो, तो काफ़ी यू नो प्लान्स एंड प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब मैं कर रही हूँ और उसमें ये साथ हैं मेरे फिलहाल। वो तो मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता क्योंकि हमारे सामने नहीं बता सकते, क्योंकि दादी और माँ बैठी है ना, शर्म आ रही है। तो अगर अभी मैं बता दूंगा तो मैं आप लोग सबके सामने मार खाऊंगा। अर्जुन तो मार खा चुका है, आप लोग ने प्रोमो में देखा होगा। थैंक यू, थैंक यू। लोग याद नहीं रखते यार, देखिए टीवी का थप्पड़ असली थप्पड़ होता है। लाइव में आप लोग के सामने मार खाऊ दादी माँ से और अपनी माँ से। थप्पड़ तो मिश्री को पड़ा था, डैड ने मारे थे ना मुझे, आपके सामने तो चमेट लगाया था। अरे हाँ, तो थप्पड़ तो पड़े। ये हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है ऑन सेट, जो हम ऐसे एज ए फैमिली रहते हैं, हम कहीं भी बोलते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग सेट के ऊपर कितना मतलब शूट के अलावा जो वक्त मिलता है उसमें क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ हम लोग यहीं बैठते हैं, यहीं पे गॉसिप्स होती है हमारी और यहीं पे टाइम स्पेंड। तो गॉसिप मतलब हेल्दी बनाए जाते हैं वीडियोस, आजकल रील्स बहुत वीडियोस इतने तो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें जितना टाइम मिलता है उस बीच हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, बिकॉज हमें जितना टाइम मिल पाता है उस बीच एक दो तो बन ही जाते हैं। गाइस थैंक यू सो सो मच, आई होप आप लोग सब सिंदूर की कीमत देख रहे हैं। ये बस एक छोटा सा टेस्ट था कि हमारी फैमिली के साथ कितना फन होता है। आई होप मंडे टू सैटरडे आप लोग सब ट्यून इन करेंगे टू वॉच सिंदूर की कीमत फॉर अ ग्रेट एंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक शो। प्लीज़ आप सब हमारे शो को देखिए, इतना ही प्यार दीजिए जितना अभी दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा दीजिए। और हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग सच में घर सिर्फ चार या पाँच घंटे के लिए जाते हैं, वापस सेट पे आ जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको टेलीकास्ट दिखाना है, रुकना नहीं है। और हमारी मेहनत आपके लिए है, तो प्लीज़ हमें अपना प्यार दीजिए, कृपया करके इस शो को उतना ही प्यार दीजिए जितना। थैंक यू, अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल, रात के 9 बजे, राइट।